असलम स्टूडेंट्स हमारी अब तक की जो डिस्कशन रही सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को इंट्रोड्यूस कराना उसको डिफाइन करना उसका बिजनेस नॉट फॉर प्रॉफिट और गवर्नमेंट से कंपैरिजन, हमारी मौजूदा डिस्कशन जो है आप कह सकते हैं एक तरह से जिस्ट है उस सारी कन्वर्सेशन का उन सारे मौजुआत का आई हैव प्रिपेयर्ड एक्चुअली अ लिस्ट फॉर यू के क्या चीज है जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को यूनिक बनाती है एंड आई हैव केम अप विद एट पॉइंट्स आपको मैं वन बाय वन इन पॉइंट्स को गो थ्रू करूँगी नंबर वन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज पैशनेट एंड पर्सनल कोई भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप दफ्तर नहीं है जहां आप सुबह जाते हैं और शाम को उठ के आ जाते हैं और उसको भूल जाते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कोई दुकान नहीं है जो शटर ग्राया और बंद हो गई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक पैशन है किसी का कोई पर्सनल प्रॉब्लम था किसी ने लोगों को सफ़र करते देखा उसके दिल में ख्याल आया कि उसको इस मसले को हल करना चाहिए इसलिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक तरह से वो इंसान का हिस्सा बन जाता है वो जागते सोते उसके बारे में सोचता है उसको आगे बढ़ाने का अपने मकसद को और मसले को हल करने के लिए कोशिश करता है नंबर टू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट इट इज़ निम्बल ये आराम से करने वाली चीज़ है ये कोई बड़े साहब नहीं है सोशल एंटरप्रेन्योर जो किसी बड़े से दफ्तर में मेज़ के पीछे बैठे हैं और लोग फाइलें लेके आ रहे हैं यह कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं है जिनकी फोब्स पे तस्वीर छपती है कि इनके पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत है ये वो हैं जो सड़कों पे गलियों में लोगों से मिलते और उनके साथ काम करते हैं उनके मसले हल करने की कोशिश करते हैं आप अमजद को अकूवत के बिहाफ पे लोगों को माइक्रो क्रेडिट के लिए मोटिवेट करते देख सकते हैं एक्चुअली तो सोशल एंटरप्रन्यरशिप जो है ये इस तरह का काम है जिसमें बॉसिंग नहीं है जिसमें ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं है तीसरी चीज जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को यूनिक बनाती है वो है एनेबल ट्रांसफॉर्मेशन हमने पहले बात की कि बिजनेस चेंज चाहते हैं लेकिन अपने फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट स्टेटस को चाहती हैं ताकि उन्हें कुछ ना करना पड़े ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है जो कि माशरे को ट्रांसफॉर्म करना चाहती है पॉवर्टी से निकाल के वेलबींग में वायलेंस से निकाल के अमन में ऐसी सूरत हाल जिसमें ज़्यादातर लोग एक नई जिंदगी एक तरह से महसूस कर सकें और उसको जी सकें नेक्स्ट पॉइंट जो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड्स मेंटेन एंड यूटिलाइज सोशल कैपिटल जिस तरह बिजनेस जो है वो कैपिटल फाइनेंशियल कैपिटल बनाता है दौलत कमाता है प्रॉफिट कमाता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सोशल कैपिटल बनाता भी है और उसको कायम भी रखता है सोशल कैपिटल से मुराद है लोगों का आपस में एक दूसरे से अच्छा ताल्लुक जिसमें वो एक दूसरे पर इसार कर सकें और मसाइल के हल में एक दूसरे से ताउन करते हुए ना झिझकें, एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकें अगला जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का पॉइंट है जो उसको यूनिक बनाता है वो है उसका ये मिशन फोकस्ड है कि प्रॉफिट ड्रिवन नहीं है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा एक मिशन एक आइडिया के साथ शुरू होती है और सोशल एंटरप्रेन्योर्स उस मिशन को एकम्पलिश करने के लिए हर मौका जो है उसको अवेल करने की कोशिश करते हैं हर तरह का रिस्क लेते हैं इस लिहाज से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो यूनिक है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सोसाइटी को अकाउंटेबल है ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो करें अगरचे आइडिया उनका है लेकिन वो आइडिया लोगों से मुतालिक है उनके मसाइल से मुतालिक है इसलिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपने आप को लोगों के सामने अकाउंटेबल समझते हैं वो समझते हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं कभी भी उनसे कोई भी उसका हिसाब मांग सकता है उसकी वजाहत मांग सकता है कि ये आप क्यों कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं और उनके पास जाहिर है जवाब होते हैं और वो इसके लिए तैयार रहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक सोशल और इन्वामेंटल इनोवेशन का माहौल क्रिएट करती है क्योंकि वो नई चीज़ें करते हैं वो दिखाते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट करना और उसमें फेल हो जाना कोई बुरी बात नहीं है जब तक आपका गोल आपका मिशन आपकी नज़र में है और आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक्टी और स्टेबिलिटी के ज़रिए से डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करती है ये वो चीज़ है जो बिजनेस या गवर्नमेंट इंश्योर नहीं कर सकती कि लोगों को बराबर किस तरह से लाया जाए ताकि वो अमन सुकून से एक स्टेबल लाइफ जो है एक स्टेबल सोसाइटी में गुजार सके ये वो एट पॉइंट्स हैं जो आपको एज़ ए स्टूडेंट ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या ख़ुद बतौर एंटरप्रेन्योर आपकी उंगलियों की टिप्स पर होना चाहिए क्योंकि ये आपकी यूनिक क्वालिफिकेशन है ये वो चीज़ है जो आपको बिजनेस एंटरप्रेन से या गवर्नमेंट से या नॉन प्रॉफिट या चैरिटी से अलग और मुमताज़ बनाती है थैंक यू